हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं। वी नो फॉर ए सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम For a system to be in equilibrium, there are two conditions. First, net force is equal to zero, and second, net torque is also equal to zero. But for a particle, For a particle, we know rotation is not possible. Rotation is not possible therefore, only first condition that is F net should be zero. तो जब हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल की, तो चार्ज पार्टिकल हम केवल यही कंडीशन चेक करेंगे, F net should be zero, और यदि किसी चार्ज पार्टिकल में नेट फोर्स जीरो होगी तो हम कहेंगे वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। और जो इक्विलिब्रियम है तीन तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम बेसिकली जो पार्टिकल है, यदि हम उसको जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे यदि डिस्प्लेस करें, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट एक्स में यदि नेट फोर्स लगे, देन दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और उस पर नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगती है, देन दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड इफ इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हम इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हैं। सपोज यहां पर रखता हूं एक स्मॉल मार्बल, एक यहां पर रखो और एक यहां, तो ये ए, इसको कह लो बी और इसको कह लो सी। तो देखिए, सबसे पहले ए को यदि मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, यदि मैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यदि मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, तो फोर्स होगी
लेफ्ट साइड में, तो फोर नेट फोर्स पार्टिकल जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो इस पे जो नेट फोर्स लगती है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ऐसी लगती है, देन दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। या आप ये भी कह सकते हैं जैसे इसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो इसकी टेंडेंसी दोबारा वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की होती है, देन दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, हमारा डिस्प्लेसमेंट मैंने जो डिस्प्लेसमेंट है वो किया राइट साइड की तरफ, तो इस पर जो नेट फोर्स है वो भी किस तरफ लगेगी, राइट साइड की तरफ, देन दैट इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पार्टिकल को यदि इक्विलिब्रियम पोजिशन से डिस्प्लेस करने पर यदि नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन लगती है देन दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यदि नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लगती है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यदि उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगे देन दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के इंडिपेंडेंट हो, जैसे मान लो मैं इधर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इधर कर दूं तो इधर भी इक्विलिब्रियम है, इधर भी हर एक पार्ट में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।